हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कंपैरिजन ऑफ नंबर्स किया था, नंबर्स को लेके। आज मैं आपको करवाऊंगी कंपैरिजन ऑफ नंबर यूजिंग नंबर लाइन। नंबर लाइन को यूज करके हम कैसे कंपैरिजन करते हैं, कैसे किसी नंबर की दूसरे नंबर से तुलना करते हैं। तो कंपैरिजन में तुलना करते हैं तो उसके लिए हमें कौन कौन से साइन चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल। नंबर लाइन में इक्वल साइन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें हम साइन यूज करेंगे लेस देन और ग्रेटर देन का। तो आप देख रहे हो कि मैंने एक नंबर लाइन बनाई है। नंबर लाइन में मैंने लिए है नंबर 0 से लेके 10 तक। तो 0 से 10 तक नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे नंबर लाइन पे, तो उसके लिए दो रूल्स है। फर्स्ट है हमारा द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ अ गिवन नंबर। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जैसे कि हमको नंबर दे रखा है 7, 8, 9। हमें बोला द नंबर टू द लेफ्ट ऑफ अ गिवन नंबर, इस जो लास्ट वाला नंबर होता है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर दे रखे होते हैं वो कैसे होते हैं, इज लेस देन दैट नंबर, उस नंबर से कैसे होते हैं, लेस देन। तो यहाँ मेरे को बताओ, नॉर्मली हम पूछेंगे कि 7 और 9 इन दोनों नंबर में कौन सा साइन आएगा, तो हम लगाएंगे इधर 7 इज लेस देन 9। तो इसमें देखें हम एक बार, 9 जो है यहाँ है हमारा, 9 के लेफ्ट साइड में है 7 और राइट साइड में क्या है 10। तो लेफ्ट साइड में जो होता है वो कैसा होता है, लेस देन होता है। तो इसलिए हमने कौन सा साइन यूज किया, लेस देन का। वैसे ही ठीक नेक्स्ट वाला रूल है द नंबर टू द राइट ऑफ अ गिवन नंबर। एक एग्जाम्पल और लेती हूँ मैं आपके लिए, नंबर ये हमको दे रखा है 4। 4 की राइट में अगर कोई नंबर दे रखा है तो वो कैसा होगा, ग्रेटर देन दैट नंबर, उस नंबर से कैसा होगा, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा। तो हमारा नंबर 4 है जो ये रहा, 4 के राइट साइड में, तो 4 के राइट साइड में है 5, तो 5 कैसा होगा, ग्रेटर, हम बोलेंगे 5 इज ग्रेटर देन 4। तो इस तरह से हमको ध्यान रखना है कि जो नंबर दे रखा है हमें लास्ट वाला वो किस तरफ आ रहा है, अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो वो कैसा होगा, लेस देन, और राइट साइड में आ रहा है तो कैसा होगा, ग्रेटर देन। ये तो हो गया हमारा 0 से लेके 10 तक। ऐसे ही मैं आपको 11 से 20 तक का भी कंपैरिजन करा देती हूँ नंबर्स का। सेम यही रूल्स रहेंगे, इसमें कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है, रूल सेम है। जैसे मैंने नंबर लिया इधर 15, इधर लिया मैंने 16। फर्स्टली हम देखेंगे इनका वंस और टेंस। पहले देखेंगे टेंस, दोनों में टेंस क्या है, 1 इक्वल है। जब दोनों का टेंस इक्वल होता है तब देखते हैं हम वंस। वंस पे कौन सा नंबर, इधर 5 और इधर 6। तो 5 और 6 दोनों में से ग्रेटर कौन सा होता है, 6। 15 इज लेस देन 16। 15 का ये रहा और 16 ये रहा, हमारा नंबर आएगा 16। 16 के लेफ्ट में है 15, तो कैसा होगा, लेस देन, 15 इज लेस देन 16। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं इसका, यहाँ मेरा नंबर क्या है 16, जो ये रहा 16 के इस साइड में तो हमारा क्या है 16। 16 के इस साइड में लेफ्ट साइड है और इस साइड में राइट साइड है। दूसरा नंबर क्या है हमारा 17। 16 के लेफ्ट में आ रहा है या राइट में आ रहा है 17। 17 जो है हमारा 16 के राइट में आ रहा है, इट मीन्स ग्रेटर है, तो हम बोलेंगे 17 इज ग्रेटर देन 16। ये तो हमने नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स किए हैं। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस करवाती हूँ।
ये नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपके लिए नंबर लाइन वापस से ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, तो इस नंबर को हमेशा देखना है कि वो कौन से साइड में, सिक्स ये रहा हमारा सिक्स और एट, सिक्स और एट किधर है, राइट साइड में, ये वाला हमारा राइट साइड है और ये वाला लेफ्ट और ये है राइट। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था, सिक्स के राइट साइड में एट है, इट मीन्स एट इज ग्रेटर देन सिक्स। नेक्स्ट है हमारा सेवन और इधर सिक्स, सिक्स ये रहा, सेवन कहाँ है, राइट में या लेफ्ट में, राइट में, इट मीन्स सेवन इज ग्रेटर देन सिक्स। नेक्स्ट है हमारा सेवन एंड नाइन, तो नाइन का है हमारा ये रहा, नाइन के लेफ्ट में है या राइट में है सेवन, तो कहाँ है, लेफ्ट में, इसका मतलब हो गया सेवन इज लेस देन नाइन। नेक्स्ट है टू एंड सिक्स, सिक्स हमारा ये रहा, सिक्स के लेफ्ट में है टू, तो लेफ्ट में जब आता है तो क्या साइन लगता है, लेस देन का। उसके बाद है इधर हमारा वन, इधर है हमारा फोर, तो इधर वाला नंबर कौन सा है, फोर, फोर के लेफ्ट में है राइट में वन, लेफ्ट में है, तो लेफ्ट में जो नंबर होता है वो कैसा होता है, लेस देन, तो हम क्या बोलेंगे, वन इज लेस देन फोर। नेक्स्ट है हमारा फाइव एंड सेवन, सेवन ये रहा हमारा, सेवन के लेफ्ट में फाइव है या राइट में फाइव है, तो लेफ्ट में है, तो कैसा होगा, लेस देन फाइव इज लेस देन सेवन। तो ये तो हमारे नंबर लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे जो वन से लेके टेन थे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ अलेवन से लेके ट्वेंटी तक। ओके, फर्स्ट है हमारा इधर 15 और इधर हमारा 16, तो ये वाला नंबर देखते हैं 16, 16 ये रहा और 15 कहाँ है, लेफ्ट में, लेफ्ट में जब होता है तो हम क्या बोलते हैं, लेस देन, 15 इज लेस देन 16। नेक्स्ट है हमारा इधर 14, इधर 12, 12 कहाँ है, ये रहा हमारा 12, 14 कहाँ है, लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, राइट साइड में, जब राइट साइड में होगा तो क्या बोलेंगे हम, कि वो नंबर उससे ग्रेटर देन उससे बड़ा है, तो 14 इज ग्रेटर देन 12। नेक्स्ट है हमारा इधर 13 है और इधर 11 है, नंबर देखते हैं हम 11, ये रहा हमारा 11, तो 11 यहाँ है और 13 इसके राइट साइड में, तो राइट साइड में जब होता है तो बोलते हैं 13 इज ग्रेटर देन 11। नेक्स्ट है हमारा इधर 12 है, इधर 13 है, 13 ये रहा और 12 ये रहा, तो 13 जो है 12 की कहाँ, 13 की कहाँ है, 12 लेफ्ट में, लेफ्ट में जब होता है तो बोलते हैं 12 is less than 13। तो ये हमारा था comparison of numbers using number line। इससे related और कुछ questions होंगे तो मैं आपको next video में करवाऊंगी।